नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद पांडे जी द्वारा BNSD शिक्षा निकेतन बेनाजाबा रोड कानपुर में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के निर्माण, युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्र तथा सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद पांडे जी, प्रातः संगठन मंत्री जितेंद्र मिश्रा जी, प्रांजी मंत्री वीरेंद्र पांडे जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अम्बरीश जी, प्रांत संयोजक कुशाल पाल जी, प्रांत गौरक्षक प्रमुख जितेंद्र नाथ जी, जिला संयोजक दिलीप जी, विभाग मंत्री अनिल जी, विजय, दिनेश कपिल, अमित चिराग जी आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। से एक बहुत बड़ा अभियान भी युवा संस्कार सप्ताह का चलने वाला है और 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर ऐसा यह सप्ताह चलेगा, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता यह देश भर में युवाओं में जागरण करेंगे कि सामाजिक अनुशासन का, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और नशे के पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख से अधिक मृत्यु यह समाज के लोगों का रोड एक्सीडेंट्स में हो रहा है। और इसलिए जागरण करते हुए नशे से दूर रहने का संकल्प युवाओं को देने का कार्य बजरंग दल करेगा। दूसरी बात, यानी पिछले वर्ष दिसंबर नवंबर ऐसे 2 महीनों में बजरंग दल ने लगभग 32 लाख लोगों को भर्ती अभियान करके बजरंग दल में शामिल किया। अभी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जैसे युवक विभाग के लिए किया गया, सितंबर अक्टूबर में माता भगिनियों को विश्व हिंदू परिषद में लाखों की संख्या में लाने के लिए भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा सितंबर और अक्टूबर मास। तीसरी बात, यानी उत्तर प्रदेश में जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण का कानून तोड़कर संविधान के विरोध में जाकर जो कार्य चल रहा है छल कपट प्रलोभन से, उसके ऊपर यहाँ के राज्य सरकार ने नकेल कसनी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और सारे ऐसे इसमें लिप्त लोगों को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए, हमारी मांग है। अगले महीने 5 अक्टूबर को श्री राम जन्मभूमि के साथ जुड़े हुए सभी वरिष्ठ संतों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। उस बैठक में श्री राम जन्मभूमि के बारे में आगे क्या करना, इसके बारे में पूज्य संत निर्णय करेंगे, उसके अनुसार विश्व हिंदू परिषद कार्य करेगा। पहले से ही जो विश्व हिंदू परिषद कहते आया है, पूज्य संत कहते आए हैं कि श्री राम जन्मभूमि के ऊपर केवल और केवल भगवान श्री राम जी का ही मंदिर बनेगा, वहाँ कोई भी मस्जिद किसी भी हालत में हिंदू समाज नहीं बनने देगा। अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा के अंदर कोई भी नई मस्जिद हिंदू समाज नहीं बनने देगा। जो पत्थर घड़ाई का काम अनेक वर्षों से अयोध्या में चल रहा है और जिससे प्लिंथ, गर्भगृह और प्रथम तल का मंदिर का पत्थर का काम घड़ाई का पूर्ण हो चुका है, उसी उन्हीं पत्थरों से। और कानपुर से जिला संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ कानपुर।